खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी केवल राम चौराहे पर स्थित है, जहां पर आपको सभी प्रकार के पंखे, चिमनी सहित गैस चूल्हा और किचन से संबंधित पूरी रेंज मिल जाएगी। एक बार आप विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए दंगों के बाद पूरे प्रदेश की पुलिस एक्टिव हो गई है। आपको बता दें, खरगोन में कर्फ्यू है और कल रात को भी खरगोन में खुरापात का प्रयास किया गया, जो लगातार चल रहा है, जिसके चलते कर्फ्यू में ढील तो दी जा रही है, परंतु कर्फ्यू को अभी ख़त्म नहीं किया गया। अगर वहाँ पर घटनाएं नहीं रुकी तो कर्फ्यू को और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, खरगोन से लगे खंडवा जिले में भी खंडवा पुलिस एक्टिव हो गई है और पहले दिन से एक्टिव है। खंडवा SP विवेक सिंह लगातार हर छोटी से छोटी घटना, बड़ी से बड़ी घटना को बहुत गंभीरता से लेते हैं और किसी भी तरह का कोई भी अपराध हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, कानून व्यवस्था हो, सभी को लेकर काफ़ी सक्रिय दिखाई देते हैं। अपनी टीम को लगातार निर्देश देते रहते हैं और उन्हीं की लीडरशिप में खंडवा पुलिस की टीम की मेहनत के बदौलत रामनवमी पर शांति से पूरे ज़िले में सभी कार्यक्रम निपट गए। आपको बता दें कि खंडवा SP विवेक सिंह ने सभी थाने की टीम को निर्देश दिए हैं कि थाने में रखी बलवा की जो किट है, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होती है तो पुलिस उससे निपटने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल करती है वह टूल सही सलामत हैं, उनका ट्रायल किया जाए, उन्हें बाहर निकाला जाए। और आपको बता दें, खंडवा पुलिस के इस एक्शन से खंडवा में काफ़ी चर्चा भी है और आपको बता दें कि हर थाने की टीम ने बलवा किट को बाहर निकाल लिया है और उसे चेक कर लिया है, उसे एक्टिव कर लिया है। हालांकि खंडवा ज़िले में शांति बनी हुई है और सोशल मीडिया पर ज़रूर लोग खरगोन को लेकर अलग अलग पोस्ट डाल रहे हैं और इसको लेकर खंडवा पुलिस की जो साइबर की टीम है वह भी एक्टिव है। परंतु आपको बता दें, खंडवा में जो अति संवेदनशील ज़िला है उसमें पुलिस का सक्रिय होना, सारी स्टेट इंटेलिजेंस की टीम का सक्रिय होना, आपको बता दें कि इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को रोकने के लिए तैयारी करने वाला रहता है। सभी सिस्टम एक्टिव हैं और खंडवा ज़िले की जनता भी शांतिपूर्वक त्यौहार निकालेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। खंडवा अब मैच्योर हो रहा है और बहुत ही गंभीरता से प्रत्येक बात पर निर्णय लेता है, प्रत्येक विषय पर निर्णय लेता है। फिलहाल ज़िले में शांति है और शांति बनी रहे इसको लेकर खंडवा पुलिस कप्तान काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अपने जवान से लेकर अधिकारी सभी को सक्रिय कर दिया है। आइए उनकी बात भी आपको सुनवाते हैं कि इस विषय पर उन्होंने क्या कहा। जैसा कि सबको विदित है, खंडवा जो हमारा ज़िला है संवेदनशील ज़िला है और पिछले कुछ समय से जो घटनाक्रम नेबरिंग उसमें डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो उसकी वजह से हम लोग भी अपनी सतर्कता को बढ़ाया है और उसी तारतम्य में आज यहाँ पे जो सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि अपने अधीन स्थानों के बलवा सामग्री को अच्छे से चेक करना है, जो गाड़ियाँ हैं उसको अच्छे से चेक करना है, जो अपनी तैयारियाँ हैं उसको हम पूर्ण रूप रखेंगे। और उसी कड़ी में आज मैंने कोतवाली मुख्य रोड के भी बलवा सामग्री को चेक किया है, जो कमी पाई गई है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और जो सुधार होगा उसके लिए भी सभी अधिकारियों को ताकत